अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो आज मैं आपके लिए गोभी का पराठा लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्दी भी है। तो विंटर सीजन चल रहा है, सर्दियों का मौसम है, तो गोभी भी मार्केट में बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं किस तरह से गोभी का पराठा बनाती हूँ, मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो आज मैं आपको अपने तरीके से गोभी का पराठा बना के बताऊँगी। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मेरी रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी मेरे स्टाइल में गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले गोभी का स्टफिंग बनाने से पहले मैं आटा गूंद लूँगी, ताकि आटे को हमारा थोड़ा रेस्ट मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा 1 कप ले लिया है। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाल दिया है। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसको अच्छा सा एक मुलायम सा सॉफ्ट डो लगा लेती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम आटा को गूंथते जाएंगे, जिस तरह से रोटी का और पराठे का आटा गूंदा जाता है, बस उसी तरह से सॉफ्ट करके मैं इसको अच्छे तरह से डो लगा लेती हूँ आटे का। देखिए आटा मैंने अच्छी तरह से गूंथ लिया है, एकदम सॉफ्ट। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं। आप चाहें तो इससे इसमें घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा से हाथों से मसल देंगे घी या ऑयल लगा के। तो देखिए ऑयल के साथ मैंने अच्छी तरह से इसको मसल लिया। अब हम इसको ढक देंगे रेस्ट के लिए, 15 मिनट के लिए रख देते हैं। उसके चलते हैं स्टफिंग बनाने। देखिए मैंने गोभी को पहले से ही ग्रीड कर लिया है, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक गोभी का टुकड़ा रख लिया है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और मैं आपको दिखा भी दूँ कि मैंने गोभी को किस तरह से ग्रीड किया है। पहले गोभी को आप अच्छी तरह से नमक पानी में धो के साफ़ कर लें, उसके बाद ड्राई कर लें और एक ग्रीटर की मदद से इस तरह से ग्रीड कर लें गोभी को। देखिए गोभी को मैंने ग्रीड कर लिया है। तो चलिए स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टफिंग बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने कढ़ाई रख लिया है, गैस को ऑन कर दिया है, कढ़ाई भी गर्म है। तो डालेंगे हम इसमें सरसों का तेल 1 टेबल स्पून। इसको गर्म होने देते हैं अच्छी तरह से, ताकि ये तेल कड़वा रहता है। इसे अच्छी तरह से ही गर्म करके हम डालेंगे इसमें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल लेती हूँ 1 टीस्पून जीरा तड़के के लिए। और जैसा ही हमारा जीरा तड़कने लगेगा हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब मैं डाल लेती हूँ इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी इसमें डाल देती हूँ। पानी मैंने थोड़ा डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट डालते ही। तो हम इसको 2 मिनट इस तरह से, 1 या 2 मिनट इस तरह से भून लेंगे हम, ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए। गैस का फ्लेम हम स्लो टू मीडियम ही रख रहे हैं। ये देखिए ये 1 से 2 मिनट हमने इसको भून लिया। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ 1 ही टमाटर मैं डाल रही हूँ इसमें। मैं अपने तरीके से आपको गोभी का पराठा बना के बता रही हूँ कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। तो अगर आप इसमें इस तरह से टमाटर ऐड करेंगे तो बहुत ही मज़ेदार सी टेस्ट आती है इसमें। तो जब तक कि टमाटर सॉफ्ट नहीं हो रहा है हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे। टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुका है। अब डालेंगे इसमें ग्रीड किया हुआ गोभी, एक बार मिक्स करेंगे और बाकी के मसाले हम इसी में ही डालते जाएंगे। सबसे पहले मैं नमक डाल देती हूँ, टेस्ट के हिसाब से ही डालें नमक। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर।
वन टीस्पून जीरा पाउडर और वन टीस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। फ्लेम को हम उसी तरह से स्लो टू मीडियम में ही रखेंगे। मिक्स करके हम इसको कुछ देर के लिए ढक के पकाएंगे, जबकि हमारा गोभी जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो मैं इसको मिक्स करके, तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे ढक ढक के, तो 5 से 7 मिनट ही लगते हैं पकने में, क्योंकि ये ग्रिल किया हुआ रहता है। बस हमारा जो गोभी स्टफिंग है ये बनके तैयार है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और हम इसमें अब कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। तो कटा हुआ हरा धनिया मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बंद कर, मैंने गैस को ऑफ कर लिया है, मैं इसको ठंडा होने रख देती हूँ, उसके बाद हम पराठा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो स्टफिंग हमारा ठंडा हो चुका है, आटे को भी रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें से एक बड़ा सा पेड़ा तोड़ लूँगी, इस साइज़ का हम एक पेड़ा ले लेंगे। उसके बाद मैं इसको गोल कर देती हूँ पहले हाथ से। अब इसमें थोड़ा हम सूखा आटा लगा लेते हैं, मैं इसको बेल लेती हूँ। पहले हम थोड़ा ही बेलेंगे, बस इस साइज का बेल लेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, अब घी भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें स्टफिंग रख देती हूँ। मैंने स्टफिंग भर लिया, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करते हुए हम उसको जोड़ लेंगे इस तरह से, और बाकी का जो एक्स्ट्रा ये आटा है हम इसको हटा के इस तरह से दबा लूँगी। और फिर से हम सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा लिया मैंने, फिर हम इसको हल्के हाथों से बेलेंगे। तो देखिए मैंने बेल लिया है और ये जो बाहर ये गोभी आ रहा है बहुत ही अच्छा लगेगा, हम अगर सेंकेंगे तो बहुत ही मज़ेदार पराठा बनेगा। तो मैं आपको इसको सेक के बताती हूँ। तो चलिए हम पराठे सेकते हैं। मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था, अब मैं एक पराठा इसमें डाल दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरह से, एक साइड का जैसे सीख जाएगा हम इसको पलट लेंगे। तो पराठा को हम पलट लेते हैं, एक साइड का हमारा पराठा सीख गया है। जैसे ही हम पलटेंगे तो हम इसमें ऑयल या घी आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगा लेती हूँ और इसको हर तरफ हम फैला लेंगे। अब दूसरे साइड का हम सिकने देते हैं आराम से। मीडियम टू स्लो फ्लेम में रखें आप, गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो रखें ताकि हमारा पराठा जले ना और अच्छी तरह से सिक जाए। तो इस तरह से घुमा घुमा के हम अच्छी तरह से सेक लेते हैं पराठे को। देखिए मैंने दूसरी साइड भी पलट लिया है, हमारा पराठा बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुका है। तो मैं ये पराठा निकाल लेती हूँ, देखिए कितना अच्छा सिका है ये पराठा। तो हम प्लेट में इसको निकाल लेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो मैं दूसरा पराठा भी उसी तरह से सेक लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। तो मेरा दूसरा पराठा भी मैंने सेक लिया है, तो पराठा बन के रेडी है। आप ये गोभी का पराठा ज़रूर ट्राई करें, इसको आप दही और अचार के साथ इसके मज़े ले सकते हैं, बहुत ही मज़े का बनता है ये रेसिपी। और कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी ये गोभी का पराठे की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर इसी तरह से मज़ेदार मज़ेदार रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह।